नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा अपने तेज तर्रार भाषण के लिए जानी जाती है। सदन में वे बीजेपी पर तीखे हमले बोलती आई हैं। सांसद महुआ मोत्रा ने गुरुवार को लोकसभा में अपने भाषण से पहले एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर विपक्षी सांसदों का भाषण जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि बीजेपी आज उन्हें रोककर दिखाए। लगे हाथ टीएमसी सांसद ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें रोकने टोकने के लिए बीजेपी सांसद गोमूत्र पीकर आए। बता दें कि टीएमसी की सांसद महुआ मोत्रा गुरुवार शाम को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगी। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है, साथ ही संकेत दिए हैं कि वो सदन में क्या बोलने वाली हैं। महुआ मोत्रा ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, मैं आज शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की हेकलर टीम खुद को तैयार रख ले। उन्होंने आगे लिखा, गौमूत्र की डोज भी पी कर आए। बता दें कि महुआ मोत्रा का ये ट्वीट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा सदन में मोदी सरकार पर निशाना साधने के एक दिन बाद आया है। मोत्रा को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रॉल्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देखा गया है। उनका मानना है कि ऐसे लोग बीजेपी के खेमे या जिसे विपक्षी दल आईटी सेल कहते हैं वहां से आते हैं। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीन और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार को राहुल के इस बयान पर सफाई देनी पड़ी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।